नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी एनएलडी, टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स एडवांस्ड न्यूट्रिशन इज कार्सिनिन, इट्स फंक्शन एंड इट्स सोर्सेस। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कार्सिनिन। कार्सिनिन फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एसिटाइल कोए फ्रॉम साइटोसोल इन द माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर ऑक्सीडेशन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो एज वी हैव सेड कि जो आपका कार्सिनिन होता है उसमें आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जितना भी आपका मेटाबॉलिज्म जितना भी ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होती हैं वो आपकी कहाँ होती है, सेल में होती है, सेल के माइक्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है आपकी, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, जितनी भी पावर होती है आपकी माइक्रोकॉन्ड्रिया से ही प्रोड्यूस होती है। तो आपका कार्सिथिन का फंक्शन ये होता है कि ये आपके जितना भी बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, तो जितनी भी आपकी फैटी एसिड्स की चेन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, माइक्रोकॉन्ड्रियल में। कहाँ से? साइटोसोल से। साइटोसोल भी आपका सेल का एक पार्ट होता है, वहां से आपका माइक्रोकॉन्ड्रियल में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? कार्सिथिन करता है, जिससे कि क्या हो, वो जो फैटी एसिड्स है उनका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो दिस इज द मेन बिग फंक्शन ऑफ कार्सिथिन। द सेकेंड इज योर हार्ट कंडीशन। सम स्टडी सजेस्टेड दैट पीपल हु आर टेकिंग एल कार्सिथिन मे लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, और यू मे से दे आर लेस इन रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड एबनॉर्मल हार्ट बीट। तो मतलब कुछ स्टडीज में देखा गया था कि जो लोग ये कार्सिनिन का सेवन करते हैं, जो उनको लेते हैं, उनको क्या होता है, उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, चेस्ट पेन का एक्सपीरियंस भी कम होता है, और उनका जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है उससे भी उनको रिलीफ मिलता है। द थर्ड फंक्शन इज किडनी डिजीज एंड डायलिसिस। तो किडनी डिजीज में क्या है, बिकॉज किडनी प्रोड्यूस कार्सिनिन, ये हमने बात कही थी, किडनी में आपका कार्सिनिन प्रोड्यूस होता है और किडनी ये करती है मैक्सिमम 90% तक कार्सिनिन को ये करती है एब्जॉर्ब करती है। तो किडनी डिजीज अगर हो गई तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ कार्सिनिन भी हो सकती है, तो इसलिए किडनी डिजीज वाले पेशेंट को कार्सिनिन ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। द थर्ड इज इफेक्ट इन मेल इनफर्टिलिटी। कुछ स्टडीज हुई थी जिसमें देखा गया था कि कार्सिनिन लेने से क्या होता है कि जो इनफर्टिलिटी है स्पेशली इन मेल्स, तो वो भी आपकी ट्रीटेबल है, वो भी आप ट्रीट कर सकते हैं बाय टेकिंग द कार्सिनिन एज ए सप्लीमेंट। फोर्थ पॉइंट इज अ वेट लॉस सप्लीमेंट। क्या होता है कि जितना भी कार्सिनिन होता है वो आपका मसल मास बढ़ाता है, आपका फटीक रिड्यूस करता है, तो इससे इनडायरेक्टली आपके वेट पे क्या होता है, इफेक्ट होता है और आपका वेट होता है लूज। ठीक है, तो एज ए वेट लॉस सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ये अपना फंक्शन रोल प्ले करता है। द लास्ट फंक्शन इज टू इम्प्रूव द सिम्टम ऑफ मॉडरेट एस्थमिक्स। ठीक है, जितने भी आपके एस्थमिक एस्थमे आपका जो प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, आपकी लंग्स प्रॉब्लम होती है, तो एस्थमिक चिल्ड्रन जो आपके कार्सिनिन का सप्लीमेंट्स लेते हैं फॉर 6 मंथ्स, तो उनमें देखा गया था कि एस्थमा कंट्रोल उनका इम्प्रूव हुआ है, मतलब पल्मोनरी फंक्शन, उनके लंग्स फंक्शनिंग, ये सब क्या होती है, इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो इन सम स्टडी दिस हैव बीन प्रूवन। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने 6 मंथ्स तक रेगुलरली आपका एल कार्सिनिन का एज ए सप्लीमेंटेशन के तौर पे उसको यूज किया है, तो उनको सिग्निफिकेंटली क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट दिखा है अपने एस्थमिक कंडीशन में। नॉट द सोर्सेज ऑफ कार्सिनिन। आपकी दो सोर्सेज होती है, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में आपके एवोकाडो में आप कॉलीफ्लावर, पीनट्स, ब्रेड, वीट एंड टोरला ईस्ट। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, रिच सोर्सेज इन प्लांट। एनिमल सोर्सेज में आपका बीफ, बीफ किडनी, चिकन, काउज मिल्क, बीफ लिवर, बीफ हार्ट, लैम्ब एंड मसल्स। तो इन सब में आपका कार्सिनिन क्या होता है, देखा जाता है, उसमें उसकी सोर्सेज में आता है। So this is all with the session of function and sources of carcinin. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.